लोग से शेयर करने जा रही हूँ, आलू और खीमे की रेसिपी न्यू तरीके से तो मैंने बनाया है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी कीमा बना था हमारा। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज प्याज ने जैसे बारीक काट करके रखा है, और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले आप देख सकते हो, 2 तेज़पत्ता, 1 कमल फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 2 इंच, 1 इंच 2 दालचीनी का टुकड़ा है, आधा चम्मच जीरा है, 6 से 7 काली मिर्च है, और 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची है, 2 लौंग, और यहाँ पे आलू मैंने 2 बड़े साइज का काटा है, और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है जिसे धोकर अच्छे से रखा है, 3 टमाटर लिया है, और यहाँ पर हम लेंगे धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची और पुदीना और अदरक, ये सब का हमें एक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ मैं गैस चालू करके, अब उसमें मैं डाल रही हूँ तेल, तेल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने मीडियम डाली हूँ, और इसी जैसे तेल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें डालना है हमें गरम मसाले, गरम मसाले थोड़े से चटकने तक हमें भूनना है इसे। तो देखिए हमारे गरम मसाले लाल हो गए, अब जो बारीक प्याज हमने काट के रखा है वो उसमें डाल देंगे, और इसी से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक हमारा प्याज लाल हो रहा है हम यहाँ पे ये पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारा मिक्सर की कटोरी में डाल दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा पेस्ट अच्छी तरीके से बारीक हो सके। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, यहाँ पर हमारा प्याज भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्राई। अब इसमें हम डालेंगे कीमा जो हमने धो के अच्छे से रखा है, और कीमा डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे। गैस मैंने फास्ट पे ही रखा है क्योंकि इस वक्त अभी कीमे में से पानी रिलीज़ होगा, तो वो पानी रिलीज़ होकर सूखने तक हमें इसे भूनना है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि इसमें जो हमारे कीमे में अच्छी तरीके से नमक का फ्लेवर आए। ये देखिए इसे चलाते हुए फ्लेम को मैंने फास्ट रखा है, इसमें से देखिए पानी थोड़ा सा निकला है, अभी पानी सूखने तक हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। देखिए कीमे का पानी बिल्कुल सूख चुका है, पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, ये और तेल है जो कीमे में दिख रहा है वो तेल है, पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना करके तैयार किया है हरा मसाले का पेस्ट, तो वो सारा इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस अभी भी फास्ट है, फास्ट पे ही रखना है क्योंकि ये अच्छी तरीके से भून जाएगा, इसे भी भूनना है, तो इसे चलाते हुए भूनना है। इसमें अब डालूँगी मैं जो टमाटर 3 बड़े साइज़ के लिए थे उसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, वो टमाटर इसमें डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब मैंने ये मटन मसाला लिया है, एवरेस्ट का मटन मसाला, ये 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ। मैं इसमें गरम मसाले का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें गरम मसाला डाला है, ऊपर से मैंने ये मटन मसाला भी यूज़ किया है। इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे हम, फ्लेम को अभी भी फास्ट ही रखना है ताकि हमारे मसाले जो कच्चे मसाले और मैंने जो पेस्ट बनाया वो अच्छी तरीके से भून सके। तो इसे चलाते हुए भूनना है हमें, अब इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया, हमारा मसाला भून चुका है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून के तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू, आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप लोग कम भी ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो, आप लोग के ऊपर है, अगर आप आलू ना खाना पसंद करें या फिर ना खाना हो तो आप सिर्फ कीमा भी ऐसे बना सकते हैं, तो मैंने आलू थोड़ा ज़्यादा लिया है।
तो आलू देखिए डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसमें। अब मैं आलू के साथ भी इसे 1 से 2 मिनट भूनूंगी। देखिए भून के हो गया 1 से 2 मिनट। मैं 2 मिर्ची को बीच में से फाड़ लिया है और वो इसमें ऐड कर दिया है। अब ये भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पानी ताकि हमारा कीमा और आलू अच्छी तरीके से गल जाए। तो मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। ज़रूरत पड़ने पर आधा गिलास आप और डाल दीजिए अगर आपको लग रहा है। तो मैं ये सूखा कीमा बना रही हूँ, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया अपने हिसाब से। अब इसमें ढक के मैं मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। तो 10 मिनट पकते हुए हो गए हमारे आलू और कीमे को, तो आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका है और हमारा आलू कीमा बन के लगभग तैयार हो चुका है। तो अब मैं चेक कर लूँगी एक आलू उठाकर। ये देखिए हमारा आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है और हमारा कीमा भी गल चुका है लगभग, क्योंकि हमने कीमे को पहले भी बहुत भुना था। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। हमारा कीमा आलू नए तरीके से बन के तैयार है मेरे स्टाइल में। तो ये देखिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे कीमा आलू। ये देखिए हमारा कीमा आलू बन के तैयार है। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।